इस मूवी में हमें 1969 का दौर दिखाया जाता है जहाँ पे 5 दोस्त कहीं जा रहे होते हैं लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं होती है और इसलिए वो आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं लेकिन कोई भी गाड़ी उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होती है और वो चलते चलते बहुत थक जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें गैराज दिखता है और वह उस गैराज में चले जाते हैं। यहाँ पे हमें मूवी का एक और पात्र दिखाया जाता है जिसका नाम क्विंटन होता है। क्विंटन वह अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है और इतनी देर में हमें यह भी दिखा दिया जाता है कि क्विंटन अपनी गाड़ी ठीक कर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह गैराज का मालिक उन 5 दोस्तों से बात कर रहा होता है लेकिन उस गैराज का मालिक उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और उसी वक्त क्विंटन वहाँ आता है और वो कहता है कि अगर वह लोग चाहे तो उसके साथ उसकी गाड़ी में आ सकते हैं। क्विंटन की ये बात सुनकर वह 5 दोस्त काफी खुश हो जाते हैं और वह लोग उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में उसकी गाड़ी फिर खराब हो जाती है और इस बार वो 5 दोस्त और क्विंटन ये फैसला लेते हैं कि वो यहाँ से पैदल जाएंगे। चलते वक्त उन्हें थोड़ी देर पर ही एक फार्म हाउस दिखता है और वह लोग यह फैसला लेते हैं कि वह इसी फार्म हाउस पर रुकेंगे क्योंकि अब रात भी होने वाली थी। यह लोग फार्म हाउस के एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पे सूखी घास पड़ी हुई होती है और वहीं पर सो जाते हैं। वह सब सो चुके होते हैं और तभी उन सभी को लकड़ियाँ काटने की आवाजें आने लगती है। उनमें से एक लड़का जब बाहर निकल के देखता है तो वह देखता है कि एक हेल्दी लड़का लकड़ियाँ काट रहा है और वह लड़का उस हेल्दी लड़के को जाकर मारने लगता है और कहता है कि जब सब सो रहे हैं तुम शोर क्यों कर रहे हो। तो वह हेल्दी लड़का भी उस लड़के को बदले में मारता है और यह एक छोटा सा झगड़ा एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। और तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत आवाज देती है कि बड़ी रुक जाओ। वह हेल्दी लड़का जिसका नाम बड़ी होता है वह रुक जाता है और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि बड़ी की माँ है। और तब बड़ी की माँ उन 5 दोस्तों के पास आती है और कहती है कि मैं अपने बेटे की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगती हूँ और कहती है कि मेरा बेटा इसलिए डर गया था क्योंकि वह स्ट्रेंजर्स से डरता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं और उसकी नानी ही उसके साथ रहती है। और फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद उनमें से एक लड़का उनकी एक ट्रक देख लेता है और फिर वो बड़ी की माँ को पूछता है कि क्या हम आपका ट्रक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें एक जगह जाना है। उसके बाद बड़ी की माँ कहती है कि यह ट्रक मैं तुम्हें दे देती लेकिन यह ट्रक सालों से बंद पड़ा है। उसके बाद वो फिर पूछता है कि क्या हम आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बदले में बड़ी की माँ कहती है कि हमारा टेलीफोन भी सालों से बंद पड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि बड़ी उन सभी के लिए नाश्ता बना रहा होता है और फिर उन 5 दोस्तों में से एक लड़की जिसका नाम जॉर्डन होता है और जो इस मूवी की महत्वपूर्ण पात्र भी होती है वह बड़ी से जाके पूछती है कि तुम हम सबके लिए क्या बना रहे हो जिसके जवाब में बड़ी उसे एक खिलौना पकड़ा देता है और वह अभी भी चुपचाप शांत रहता है। नाश्ता खत्म हो जाने पर उन 5 दोस्तों में से कुछ लड़के ट्रक खरीदने चले जाते हैं और उनमें से एक लड़की बड़ी की माँ के पास यह पूछने चली जाती है कि आपका वॉशरूम किधर है। तब बड़ी की माँ कहती है कि हमारा वॉशरूम भी खराब है और उस लड़की को एक रास्ता बताती है जहाँ पे वो वॉशरूम करने जा सकती है। वॉशरूम ढूंढते हुए वो एक रूम के तरफ आ जाती है जहाँ पे उसे विभिन्न प्रकार के चाकू और खून के डब्बे मिलते हैं और वह यह सब देख ही रही होती है कि तभी पीछे से वह खामोश बड़ी आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है और बड़ी उसे पास पड़े स्ट्रेचर पे लेटा देता है और उसके हाथ पाँव दोनों बांध देता है और फिर वह उस लड़की के दोनों हाथ पैर काट देता है जिसके कारण उस बेचारी का काफी खून बहने लगा है और फिर वह उसके दोनों हाथ और पैर उसके शरीर से अलग कर लेता है और उसकी स्किन उसके शरीर से निकालने लगा है जिसके बाद वह आखिर में उसका गर्दन भी काट देता है। जो बड़ी अभी तक एक बहुत ही शांत दिमाग का आदमी लग रहा था वही बड़ी अब एक बहुत बड़ा शैतानी दिमाग का आदमी था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि घर के पीछे की खेत की तरफ एक कपल चल रहे होते हैं और उसी वक्त बड़ी की माँ वहाँ आ जाती है और उन कपल में से जो लड़का होता है उसे उसके पैर में गोली मार दी जाती है। यह सब देख वह लड़की बहुत रोती है चीखती है और चिल्लाती है लेकिन बड़ी की माँ उसे भी नहीं छोड़ती है और उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्डन और उसका दोस्त एक रूम में होते हैं और उस रूम की खिड़की से बाहर का पूरा नजारा दिखता है और वह देखती है कि बड़ी उसके दोस्त की लाश के टुकड़े करके अपने जानवरों को खिला रहा है। जब वह यह सब देखती है तो उसे कुछ नहीं समझ आ रहा और वह भागी भागी अपने दूसरे दोस्त के पास जाती है और जब वह उसे यह बात बताती है तो उसे भी यह बात समझ नहीं आती और वह दोनों भागे भागे क्विंटन के पास जाते हैं जो उसी रूम में होता है। अब हम देखते हैं कि बड़ी की माँ ने जिस कपल पर हमला किया था वह उसे उसी रूम में लेके आती है जहाँ पर बड़ी कट्स लगाया करता था और फिर उन दोनों को होश आ जाता है और उनमें से जो लड़की होती है उसे वह स्ट्रेचर में लेटा देता है और उस पर कट्स लगाना शुरू करता है। पहले वह उसका सर फाड़ता है और उसके बाद फिर वह उसका फाड़ के उसमें से सारी चीजें बाहर निकाल लेता है। यह सब देख वह लड़का रोने लगा है क्योंकि अब वह जानता था कि कुछ ही देर में उसका भी यही हाल होने वाला है। वह कुछ कर भी नहीं सका था क्योंकि बेचारे के हाथ पैर तो बंधे हुए। बड़ी फिर अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि जॉर्डन
और उसका साथी बाहर खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। यह सब देख क्विंटन उनसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान खतरे में डालने का कोई शौक नहीं है। इतनी ही देर में बडी की माँ बाहर आ जाती है और वह जॉर्डन को पकड़ लेती है, लेकिन जॉर्डन का दोस्त उसे बचा लेता है और वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते जॉर्डन के हाथ से एक चाकू गिर जाता है, जिसे लेने के लिए जॉर्डन का दोस्त उसी जगह पर फिर आता है, लेकिन इस बार बडी की किलर नानी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देकर मार देती है और ये सब देख जॉर्डन वहाँ से अकेले ही भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वह एक गड्ढे पे गिर जाती है जहाँ पे बहुत सारी नुकीली लकड़ियाँ रखी होती है। उनमें से एक लकड़ी जॉर्डन के कंधे से आर पार हो जाती है। इसके बाद जॉर्डन बहुत रोने लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक डर भी लगा हुआ रहता है कि अगर बडी, उसकी माँ और उसकी नानी ने उसे पकड़ लिया तो वह लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए वह फार्म हाउस के एक जगह पर जाकर छुप जाती है। लेकिन भागते वक्त जॉर्डन के कंधों से बहुत सारा खून जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण बडी की नानी उसे खोजने पर सफल हुई है। खोजे जाने पर बडी की नानी जॉर्डन को खूब मारती है, जिसके बदले में जॉर्डन भी बडी की नानी को बहुत मारती है, और मारते मारते बडी की नानी वहीं पर मर जाती है, जिसे देख जॉर्डन बहुत दुखी हो जाती है और डर के कारण वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन बडी तो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए तो उसने उसे एक खिलौना भी दिया था। जब बडी वहाँ आता है तो वह देखता है कि जॉर्डन तो बेहोश होके पड़ी हुई है, और इसलिए वो जॉर्डन को अपने साथ उसी रूम में ले जाता है जहाँ पे वो कट्स लगाया करता था। पहले तो वह सोचता है कि अपनी माँ को खुश करने के लिए वह इसे भी काट डाले, लेकिन फिर बाद में वह सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वह उसे नहीं मारता है बल्कि वह उसे अपने साथ उठाकर उसी गैराज में ले जाता है जो हमें पिक्चर के शुरुआत में दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ से क्विंटन भी भागते हुए आ रहा होता है और उसकी टक्कर बडी से हो जाती है, जिसके बाद वह दोनों जाके एक फैन से टकराते हैं और इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण वह दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जॉर्डन भी वहीं पर पड़ी रहती है और सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि गैराज का मालिक आके गैराज का दरवाजा खोल रहा होता है और वह जॉर्डन को अपनी गाड़ी में डाल लेता है। उसी गाड़ी के पीछे में हम देखते हैं कि क्विंटन बैठा हुआ है और गैराज का मालिक उससे पूछता है कि बेटा, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? और इसके बाद हमें यह पता चलता है कि क्विंटन तो उस गैराज के मालिक का बेटा है, और हमें साथ साथ ये भी पता चलता है कि बडी भी उस गैराज का मालिक का एक बेटा है, तो दोनों तो सगे भाई हुए। लेकिन क्विंटन अपनी जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर लेता है, जिसे देख बडी काफी जेलस फील करता है, जिसके कारण बडी ये सब काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि शरीर के अंग बेचना, और इससे वह जो भी पैसा कमाता था वह यह पैसा सीधे अपने माँ को लाके दे देता था ताकि वह खुश हो सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वह गैराज का मालिक अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि वह लोग जॉर्डन के शरीर के साथ क्या करते हैं, क्योंकि जॉर्डन तो अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ यह मूवी इधर ही समाप्त हुई है।